Assalamu alaikum. Welcome to Logical Thinkers. This is MS Excel Part 7. आज का जो टॉपिक है वो है पाइवेट टेबल. पाइवेट टेबल जो है होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कि जो है जब हमारे पास जो है 1000 लाइन्स ऑफ डाटा हो या फिर हमारे पास जो है काफ़ी सारा डाटा हो, हमें जो है एनालाइज करने मुश्किल हो रही हो, किसी एक ख़ास बंदे की जो है हमें कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस कस्टमर ने जो है क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी या फिर क्या क्या चीज़ें परचेज़ की थी. इसमें जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ईज़िली आ जाएगी. इसको यूज़ कैसे करते हैं, पहले जो है इंसर्ट के टैब में जाएं, फिर देन पाइवेट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें. अब ये पूछ रहा है न्यू वर्कशीट बनाना चाह रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही काम करना चाह रहे हैं. मुझे चाहिए न्यू वर्कशीट, तो मैं इसी पे क्लिक रहने देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ. ये देखें, ये जो है यहाँ पर सारे मेरे कॉलम्स आ गए, जो जो वहाँ पर शो हो रहे थे, नेम, आइटम, ऑर्डर डेट, और ये जो है फील्ड्स आ गए जहाँ पर मैं इनको डालूँगा. फ़िल्टर है, कॉलम है, रोज़ और वैल्यूज़. अब मैं चाह रहा हूँ मेरे सारे नेम जो है वो रोज़ में आ जाएं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग डाउन कर दूँगा. ये देखिए सारे नेम जो है वो मेरे रोज़ में आ गए. उसके बाद मैं चाह रहा हूँ जो आइटम है वो भी जो है रोज़ में आ जाए, तो सेम यही काम करूँगा, सिंपल ड्रैग डाउन कर दूँगा. ये देखिए जिस बंदे ने जो है जो जो चीज़ ऑर्डर की थी वो आ गई. फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद ने इरेज़र का ऑर्डर किया था, अली ने किया था इरेज़र और पेन का, अरबाज़ ने किया था पेन और पेंसिल का. अब जो है ये मेरी टोटल पैकेट जो हैं, टोटल अमाउंट जो है, मैं चाह रहा हूँ टोटल जो है ये मेरी वैल्यूज़ में आ जाए, तो मैं इसको वैल्यू में ले आऊँगा. ये आ गया सबका टोटल, आ गया सम आ गया. और अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरे यूनिट कॉस्ट है या फिर टोटल पैकेट्स है, ये जो है कॉलम में आ जाए. यूनिट कॉस्ट में लाता हूँ, कॉलम्स में ले आता हूँ. कि देखें ये बता रहा है इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी है, 20 थी. टोटल कितने हो गए मेरे पास, 320. 12 ऑर्डर किए थे तो इसका टोटल कितना हो गया, 320. इरेज़र का इसी तरह जो है ये इरेज़र का बता रहा है, पेन का बता रहा है, कंप्लीट हर एक के बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किसने जो है क्या चीज़ ली थी और उसकी यूनिट कॉस्ट क्या थी और उसके टोटल कॉस्ट कितनी है. अब मैं लगाता हूँ इसमें फ़िल्टर. फ़िल्टर क्या लगाता हूँ मैं, हटाता हूँ टोटल पैकेट्स में लगाता हूँ मैं फ़िल्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल, टोटल पैकेट्स को जो है मैं ड्रैग डाउन करके फ़िल्टर के ऑप्शन में ले आता हूँ. अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बताया टोटल पैकेट जो हैं कितने चाहिए, किस बंदे का चाहिए, जिसने 5 ऑर्डर किए हैं या जिसने 6 ऑर्डर किए हैं, जिसने 7 किए हैं टोटल पैकेट्स ऑर्डर. मैं चाहता हूँ कि जिसने 5 किए हैं उसका नेम आ जाए. पहले मैं चाह रहा हूँ जिसने 5 टोटल पैकेट्स ऑर्डर किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाए. मैं ओके करता हूँ. ये देखें ये आ गई दयान की. दयान ने जो है 5 पेन को ऑर्डर किया था, एक पेन की कॉस्ट जो है 20 रुपये थी, तो 5 की कितनी आ गई, 100 रुपीज़. टोटल कितने आ गए, टोटल 100. इस तरह जो है फ़िल्टर यूज़ हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ, और आइटम को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और आइटम को मैं लगाता हूँ, पुट करता हूँ फ़िल्टर में. अब फिर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए उन बंदों की इन्फॉर्मेशन जिन बंदों ने जो है पेन ऑर्डर किए, तो मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स देन पेन पे टिक रहने दूंगा और फिर मैं ओके कर दूंगा. अब देखें पेन पे टिक है, ठीक है. अब ये वो बंदे आ गए जिन्होंने जो है पेन को ऑर्डर किया था. फॉर एग्ज़ाम्पल अली ने पेन लिए थे, 10 पेन लिए थे, 20 रुपये का एक है, तो टोटल कितने हो गए, 200 रुपीज़. इसी तरह अरबाज़ ने लिए थे, दयान में लिए थे, और बाकी जिन लोगों ने पेन नहीं लिए थे उनके नेम जो है यहाँ पे नहीं शो हो रहे. तो इस तरह जो है ना आप जो है हर एक बंदे की जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसने जो है क्या चीज़ ली थी और क्या चीज़ नहीं परचेज़ की थी और उसके टोटल आइटम यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी, वो सब कुछ जो है आप जो इसमें इससे जो है ईज़िली देख सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं आराम से. तो ये होता है पाइवेट टेबल.